जो शख्स लोगों की बुराइयों का चर्चा करता हो तो समझ लो कि वो सबसे ज़्यादा गुनाहगार है। अगर कोई शख्स अपनी ज़रूरत का सवाल लेकर तुम्हारे पास आए तो ये अल्लाह सुबहान व तआला का तुम पर ख़ास करम और फजल है। गुनाह की लज्जत महज वक्ती होती है और इसकी सरजद हो जाने के बाद इंसान का दिल सुकून हासिल नहीं कर पाता, हमेशा बेचैनी का शिकार रहता है। अगर खुद को इस दुनिया के धोखे से महफूज रखना चाहते हो तो तुम्हारी गाफियत इसी में है कि अपने वक्त के नौ हिस्सों में तन्हाई को अजीज रखो और एक हिस्से को लोगों से मिलने जुलने में खर्च करो। अगर इंसान की तबीयत में हया का अंसुर मौजूद हो तो कुदरती तौर पर उसका दिल नेकियों की जानिब माइल होगा, और अगर शर्म और हया उसकी फितरत में ना हो तो वो गुनाहों की जानिब बेधड़क होकर रागिब होगा। जिस शख्स से मुहातिब होकर उसकी ज़हनी काबिलियत के मुताबिक उससे गुफ्तगू करो और ऐसी बात करने से गुरेज करो जो उसकी समझ में ना आ पाए। ऐसे लोगों के साथ मामलात करने से गुरेज करो जो जुल्म करते हो या जुल्म करने वालों से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखते हो। इस दुनिया के लोगों की शर से हमेशा खुद को महफूज रखने की कोशिश करो, क्योंकि इन लोगों में तुम्हारे लिए जहर वैसे ही भरा हुआ है जैसे जहरीले जानवरों में, मसलन सांप या बिच्छू में जो मौजूद होता है। अल्लाह सुबहान व तआला तक पहुंचने का रास्ता मखलूक से होकर गुजरता है, इसलिए लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया करो कि ये मखलूक का तुम पर हक है। अगर तुम खुद को ईमान की आला तरीन दर्जात पर ले जाना चाहते हो तो इस एहसास के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो कि अल्लाह सुबहान व तआला हर लम्हा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे तमाम आमाल पर उनकी नज़र है। जो शख्स बुरी गुफ्तगू करने की आदत रखता हो वो दर हकीकत तीन लोगों का नुकसान कर रहा होता है, एक अपनी ज़ात का, दो उस शख्स का जिसके बारे में वो बुरी गुफ्तगू कर रहा हो, और सोम वो शख्स है जो अपने ये बुरी गुफ्तगू सुना रहा हो। अल्लाह सुबहान व तआला ने अगर तुम ही किसी नेमत से नवाजा है और तुम उस नेमत का इस्तेमाल किसी गलत जगह पर करो तो ये अल्लाह सुबहान व तआला के हुजूर उस नेमत की नाशुक्री है। जो शख्स पूरा एक बरस खुश और हरम रहे और किसी भी तकलीफ में मुब्तला ना हो तो उसे जान लेना चाहिए कि अल्लाह सुबहान व तआला उससे नाराज़ है। बेहतर तो ये है कि सदका खामोशी से किया जाए, लेकिन अगर तुम लोगों को इस बात की जानिब माइल करना चाहते हो कि वो सदका करने की आदत डाले तो फिर ऐलानिया तौर पर सदका करना बेहतर है। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाओ और दूसरे लोगों पर ये बोझ डालने की कोशिश मत करो, भले तुम्हारी जिम्मेदारियाँ कम हो या ज़्यादा। जब तुम मालदार हो तो इस नेमत का पल सखावत की सूरत में पाओ, जब तुम अहले इल्म हो तो इसका पल बाइल्म होने की सूरत में पाओ, और अपनी नीयत में इखलास का पल अल्लाह सुबहान व तआला की रज़ा की सूरत में पाओ। अगर कोई मुसलमान अपने दीन से दूर है तो उसे एहसास होना चाहिए कि वो ज़िल्लत में है। इसी तरह अगर कोई शख्स मालदार नहीं है लेकिन वो मजहबी तालीमात पर दिल और जान से अमल करता है तो वो गनी है। ज़ुबान से निकली गई अल्फाज या तो किसी की तकलीफ को कम कर सकते हैं या फिर किसी को दर्द में मुब्तला कर सकते हैं, इसलिए जब कोई शख्स अपनी ज़ुबान की इस्लाह कर ले तो उसकी दिल की इस्लाह खुद ब खुद हो जाती है। हैरानगी होती है उस शख्स पर जिसे रोज़ क़यामत के बारे में बखूबी इल्म हो लेकिन वो इसके बावजूद दुनिया का माल इकट्ठा करने में मशगूल है। अगर तुम्हारा नफ्स तुम्हें गुनाह के लिए इस कदर बहका दे कि तुम खुद को ना रोक पाओ
तो फिर गुनाह किसी ऐसी जगह पर जाकर करो जहां अल्लाह सुबहाना व तआला की ज़ात मौजूद ना हो। अगर कोई शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो सबसे पहले वो अपनी अक़ल और तदबीरों से काम लेकर उस मुश्किल से छुटकारा पाने की कोशिश करे, नाकामी की सूरत में लोगों से मदद तलब करे और यहाँ से भी नाकामी का सामना करने के बाद अल्लाह सुबहाना व तआला से रुजू करे तो ऐसी सूरत में अल्लाह सुबहाना व तआला भी उससे मुंह फेर लिया करते हैं। किसी मालदार शख्स की तारीफ महज इसलिए मत करो कि उसका दुनियावी रुतबा ऊंचा है, बल्कि किसी की तारीफ सिर्फ उसकी आमाल की वजह से करो, क्योंकि अगर किसी जालिम शख्स की तारीफ करोगे तो अल्लाह सुबहाना व तआला के अज़ाब का निशाना बनोगे। जो शख्स तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा उसे कुछ कहे बिना तुम्हारी ज़रूरत के बारे में मालूम हो जाएगा, जिसे तुम्हारी जानिब देखकर तुम्हारी ज़रूरत के बारे में मालूम ना पड़े तो उसके सामने अपनी ज़रूरत को बयान करके अपने आप को शर्मिंदा मत करो। अगर एक ऐसा शख्स कुछ रकम सदका करे जो बज़ात खुद मुफलिसी का शिकार हो तो उसका दर्जा ऐसे शख्स से कहीं ज़्यादा होगा जो अमीरी की हालत में कहीं ज़्यादा रकम सदका करे। अगर तुम मालदार हो लेकिन तुम अपना माल अल्लाह सुबहान व तआला के रास्ते में खर्च करने से गुरेज करते हो तो तुम अपने माल को ज़ाया कर रहे हो। अल्लाह सुबहान व तआला ने तुम्हें इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात इसलिए बनाकर भेजा है कि हम उस ज़ात पाक की अहकामात की पैरवी करें और बदले में हमेशा कायम रहने वाले जन्नत को पालें। इस दुनिया में तुम्हारी ज़ात के अंदर अच्छाइयों की तलाश करने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो तुम में सिर्फ बुराइयों और कमियों की तलाश में है। किसी भी काम को घटिया और मामूली मत समझो, क्योंकि मेहनत करके रिज़्क हलाल कमाने वाला शख्स अल्लाह सुबहान व तआला को महबूब है। किसी शख्स के सामने अपनी ज़रूरत का सवाल करने से कहीं बेहतर है कि तुम मेहनत करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करो। अगर तुम अपने दिल की आंख से अपने इर्द गिर्द के मामलात को देखना शुरू करो तो तुम्हें हर दिन यौम क़यामत की मानिंद दिखाई देगा। जो लोग अल्लाह सुबहान व तआला को महबूब समझते हैं उन्हें तन्हाई पसंद होती है, क्योंकि तन्हाई में वो अल्लाह सुबहान व तआला के हुजूर अपनी इबादत को ज़्यादा तवज्जो के साथ अदा कर सकते हैं। ऐ इंसान, अगर तुम्हें अल्लाह सुबहान व तआला की बंदगी और इबादत करने से इनकार है तो फिर अल्लाह सुबहान व तआला की तख्लीक करदा चीज़ों का इस्तेमाल भी तर्क कर दो। अगर तुम अपना दिल इस दुनिया की लज्जतों की हुसूल में लगा दोगे और ख़ुद को उलझाए रखोगे तो याद रखो कि ऐसा करने से अगली ज़िंदगी में मिलने वाले सवाब और अजर में कमी होती चली जाएंगी। बग़ैर कोई अमल के तुम इल्म हासिल कर सकते हो, लेकिन जब इल्म का हुसूल मुकम्मल हो जाए तो बग़ैर आमाल के ये इल्म कोई अहमियत नहीं रखता। खुशनुमा लिबास की तमन्ना करने वाले शख्स अपने कफन को हमेशा याद रख, बेहतरीन अंदाज में तामीर करदा रिहाइशगाह को पसंद करने वाले अपने कब्र को मत भूल, लजीज कानों को पसंद करने वाले इंसान ये मत भूल कि कब्र में जाकर तेरे जिस्म को कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाना है। एक ऐसा शख्स जो परहेजगारी के साथ दीन की दलाइल से आगाही रखता हो वो शैतान पर उन हज़ार लोगों से ज़्यादा बारी है जो इबादत गुजार हो। ये दुनिया अल्लाह सुबहान व तआला की जानिब से बनाया गया एक मुसाफिर खाना है जिसमें आखिरत के हर मुसाफिर ने क़याम करना है, इसलिए यहाँ रिहाइश रखते हुए सिर्फ आखिरत का सामना तैयार करो और इस मुसाफिर खाने की रंगीनों की तमन्ना मत करो। हैरानगी होती है उस शख्स को देखकर जिसे इस बात पर ईमान है कि दोजख एक बहुत बुरा ठिकाना है और इसके बावजूद वो गुनाहों की ज़िंदगी में मशगूल है।
इसी तरह उस शख्स को देखकर भी हैरानगी होती है जो बखूबी जानता है कि शैतान इंसानों का दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को गुनाहों से दूर नहीं रखता। ज़ुबान से अदा की गई गैर मुनासिब अल्फाज कभी वापस नहीं आ सकती, इसलिए कन्वर्सेशन के दौरान सोच समझ कर कोई बात कहनी चाहिए, क्योंकि अल्फाज के मुंह से निकल जाने के बाद इनकी वापस ले जाने की कोई सूरत नहीं रह जाती। इस दुनिया में रहती हुई अपनी मौत को हमेशा याद रखो। खुद को दुनिया के कारोबार में इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लो कि तुम्हें अपनी मौत याद न रहे। इसलिए जब किसी शख्स को वफात पाती हुई देखो तो अपनी मौत को याद किया करो, ताकि अल्लाह सुबहाना व तआला का खौफ तुम्हारे दिल में रहे। हक का साथ देने वाले लोग तादाद में तो हमेशा कम होते हैं, लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला और उनकी चाहने वालों की नज़र में हक के साथ खड़े हुए लोगों की कदर हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। जिस इल्म के हुसूल के बाद उसकी तालीमात पर अमल ना किया जाए, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं और वो ज़ाया शुद्दा है। मुझे ऐसे शख्स पर हैरानी होती है जो अल्लाह सुबहाना व तआला को कादिर और मुतलक जानता है, मानता है, लेकिन फिर भी अपने मामलात के लिए इस दुनिया के लोगों के पास जाता है और उन पर इत्तेमाद भी करता है, और वो लोग उसकी मुश्किलात को हल भी करेंगे। अगर अल्लाह सुबहान व ताला ने तुम्हें लंबी उम्र से नवाजा और तुमने इस मोहलत में आखिरत के लिए अच्छा अमाल करके तैयारी नहीं की, तो ऐसी ज़िंदगी ज़ायशुदा तस्वर की जाएंगी। अगर मैं सारी रात इबादत में मशगूल रहूं और सुबह को मेरी तबीयत में कोई तब्दीली ना आए, तो इससे बेहतर है कि मैं रात को वक्त से सो जाऊं और सुबह जब उठूं तो अल्लाह सुबहान व तआला का खौफ मेरे दिल में हो।